हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल आसनसोल गार्डन। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये देसी पिटूनिया का सीडलिंग्स है। ये देखिए, इस ट्रे में पूरा भरा पड़ा है, 300 से भी अधिक सीडलिंग्स है। मैंने पिछले साल के कुछ सीड्स कलेक्ट किए थे, उन्हीं सीड्स से इतने पौधे उगाए हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि इतने पौधे का होगा क्या। ऑलरेडी मैं 10-15 पौधे लगा चुका हूँ, तो मैं सोचा हूँ कि इन पौधों को अपने दोस्तों में बांट दूंगा। इसलिए दोस्तों, जो भी दोस्त मेरे आसपास रहते हैं मुझसे कांटेक्ट करें। दोस्तों, मैं इन सारे पौधों को गिव अवे करने जा रहा हूं। दोस्तों, देसी पिटूनिया लगाने का फ़ायदा यह है कि ये जो पौधा है आपको सालों भर फूल देगा। एक बार लगाइए, इस पर मैं एक वीडियो भी बनाया हुआ हूँ, देसी पिटूनिया वन टाइम इन्वेस्टमेंट। और दोस्तों, बिना इन्वेस्टमेंट का ये पौधा ले जाइए आराम से, एक बार लगा दीजिए और आपके घर में सालों साल फूल खिलता रहेगा। पौधा सालों साल चल जाता है। एक साल के बाद फिर नया पौधा लगा लीजिए, सीड्स कलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों, गर्मी के मौसम में थोड़ा इसको बचाना पड़ेगा आपको। गर्मी के मौसम में ज़्यादा धूप जब हो जाती है, 35-35 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर जब आ जाता है, उस टाइम इसको थोड़ा सा ठंडी जगह में यदि रख देंगे तो ये पौधा आसानी से चल जाता है और साल भर फ्लावरिंग करता रहता है। कोई विशेष केयर की भी दोस्तों इसकी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, मैं इसमें से एक पौधा निकाल कर आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर इसके रूट्स डेवलप हो गई है। बस इसे मिट्टी में लगा देना है, 80% मिट्टी ले लीजिए और 20% कोई भी खाद मिलाकर लगा दीजिए बस। और सुबह शाम जितनी पानी की रिक्वायरमेंट है उतना पानी देते रहिए, बस ये पौधा आपको फूल देगा और विशेष कोई केयर नहीं करनी है। ये देखिए दोस्तों, कितना सुंदर इसका फ्लावरिंग है, वाइट कलर का। ये देखिए दोस्तों, ये है पूरा वीडियो। तो दोस्तों, आप आइए और ये पौधा हमसे ले जाइए। दोस्तों, एक महीने के अंदर ये पौधा बड़ा हो जाता है और फूल देने लगेगा। उसके बाद आपको इस पौधे में सिर्फ फूल ही ज़्यादा दिखेंगे, पत्ते कम दिखेंगे। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। तो ये था पूरा वीडियो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गो ग्रीन दोस्तों।